नमस्कार दोस्तों, अनमोल बनारस यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। मैं सोनू कुमार इस समय वाराणसी के सराय मोहना शमशान घाट पे इस समय आया हूँ। आप लोगों को मैं यहाँ की दाह संस्कार की स्थिति में दिखाने आया हूँ। इस समय दाह संस्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या स्थिति है यहाँ की वर्तमान, आप लोग इसी तरह बने रहिएगा और चलते हैं यहाँ पर घाट की ओर। पहले यहाँ पे दाह संस्कार में जो भी आते थे और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ दिखा करती, मगर इस समय स्थिति यह है कि बहुत ही सन्नाटा दिख रहा है। और मैं इधर से होते हुए, सीढ़ियों से होते हुए मैं जहाँ दाह संस्कार होता है आपको ले चलता हूँ वहाँ पे दिखाने। आप यहाँ पे देख सकते हैं बुद्ध भगवान का, और सामने आप एक जो देख रहे हैं वहाँ पे बैठने का, जो दाह संस्कार में आते हैं वहीं पे विश्राम करते, आराम करते, और उसी के जस्ट पीछे आप देख रहे हैं दाह संस्कार खातिर लकड़ियाँ भी मिलती हैं। और करीब यहाँ पे 250 रुपये प्रति मन लकड़ियाँ यहाँ पे, मतलब 40 किलो बिकता है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं लकड़ी भी है, और मैं सीढ़ियों से होते हुए सीधे निकल रहा हूँ दिखाने आपको यहाँ पे क्या वर्तमान स्थिति है। देख रहे हैं घाट कितना बहुत ही एकदम सन्नाटा आपको दिख रहा है, और यहाँ पे लोग अभी बातचीत हुआ कि बताएं कि सुबह से बस खाली एक ही यहाँ पे डेड बॉडी आई है, और पहले से बनारस यानी शहर में स्थितियाँ बहुत डाउन हो गई है। जो पहले 22 और 23 को दाह संस्कार बहुत ही ज़्यादा हुआ था राजा हरिशन घाट पे और मणिकंका घाट पे लाइनें लगी थी, करीब लोग 4 से 5 घंटा दाह संस्कार खातिर इंतज़ार कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा, अभी भी चीता की आग यहाँ की शांत नहीं हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह व्यवस्था की गई, और जो ये कफन देख रहे हैं बांसों से बना गया है, और इसके बारे में हम यहाँ पे दो लोग मौजूद हैं, उनसे हम चलेंगे बात करने। जी भैया जी, अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा मनोज साहनी नाम है जी। आप यहीं के निवासी हैं, रहने वाले? जी हम यहीं के रहने वाले हैं। आप क्या कारोबार करते हैं? जैसा यहाँ पर देखें कि मजदूर कम, आदमी अपना नहीं कोई था, अनुकूल फेंक के अपना सब कुछ सहयोग में थे जी, और कोई चीज़ हम लोग की ऐसे नहीं दिखाई दिया। हम यहाँ पर जो जैसे लाश आया उस तरह तो सब आदमी घबरा गया जी, ऐसे में तो आधा दुनिया खत्म होने की कोई टाइम है नहीं। इसलिए हम लोग इस महामारी को खत्म करने के लिए यहाँ पे गांव-गांव में रोज एक एक जल, एक एक लेडीज अपना चढ़ाती थी गंगा जी को कि ये महामारी ख़त्म हो जी। इसके लिए हम सरकार से भी कहेंगे कि महामारी जो आया है और जो लॉकडाउन से पूजा पाठ रुका हुआ है, और जैसे लॉकडाउन जैसे लगा है इस समय लोगों की रोजी रोटी भी तो मर गई, लोग दुकान भी तो नहीं खोल पा रहे हैं। अच्छा, जो 21 और 22 की डेड बॉडी इतनी आई थी उस समय यहाँ का स्थिति कैसा था? अरे सब घबरा गए थे, सब घबरा गए थे कि यहाँ पे अब लगता है कि असलियत आग जाएगा, असलियत सामने आधा दुनिया खत्म होने का दिक्कत है क्या, यहाँ पर सब एकदम तराई तराई हो गया। सब देख कर गाँव पूर्व वाले आदमी अपना जल चढ़ाने लगे कि अब माता काम करो, ऐसे महामारी लॉकडाउन में ऐसे तुम रोक दोगे पूजा पाठ किसी का नहीं होगा तो कोई काम नहीं, सरकार भी महामारी में आ जाएगा, देश तो है भाई है। बहुत बहुत नाम बताइए। राम किंगल निषाद। ये सराय मोहना जो शमशान घाट है इस समय क्या स्थिति है? इस
क्योंकि ये वक्त मट्टी जो आ रही थी ज्यादा से ज्यादा कम हो गया है। अच्छा, जहाँ 40-45 लाश यहाँ जल रहा थी वहाँ एक दो आ रहा है सुबह से। और जैसे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? सराय मोहने। सराय मोहने थाना सारना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।